अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं जीएन लाइव चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सभी जानते हैं पालक में कितना आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। ये स्किन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, चेहरे पे चमक लाता है, बेदाग निखरी त्वचा बनाता है, दाग धब्बे दूर करता है। तो आज मैं दो ऐसे फेस पैक और फेस मास्क लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को जवां और ग्लो लेके आएंगे, बेदाग बनाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। पहला है पालक फेस पैक बनाने का तरीका। पहले आप कुछ पालक के पत्तों को लेकर अच्छे से धो लीजिए, उसे साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आप मिक्सी में पालक को डाल करके इसको पीस कर अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक बाउल लीजिए, उसमें इस पेस्ट को निकाल लें, थोड़ा सा इसमें शहद मिलाइए, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं, इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर सबको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और गर्दन पे अच्छे से लगाना है। इसको अपने चेहरे पे आप 20 से 25 मिनट तक फेस पे लगा रहने दीजिए और उसके बाद सादे पानी से आप अपने चेहरे को धो लीजिए। रिजल्ट पाने के लिए आप एक हफ्ते में वीक में दो बार इसको लगाएं। इस फेस पैक को लगाने के फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, चेहरे पे होने वाली झुर्रियों और फाइन लाइंस को भी कम करने में मदद करता है, ये पिंपल्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, ये स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन को नमी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही फेस पर निखार लाता है, चेहरे को बेदाग धब्बे दूर करता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, सेकंड फेस मास्क है। इसको बनाने के लिए आप एक बाउल लें, उसमें एक कटोरी पालक का पिसा हुआ लें, उसका पेस्ट बना लीजिए। दो चम्मच बेसन लीजिए, एक नींबू का रस निकाल लीजिए, आधा चम्मच हल्दी और कुछ बूंदे शहद की लीजिए। सबको अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसको आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, 25 मिनट तक आप इसे फेस पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आप इसको हल्के हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करके फिर फेस को अच्छे से ताज़े पानी से धोकर साफ कर लीजिए और मॉइस्चराइज़र लगाएं। ये हर टाइप की स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। गाइस, कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले आप अपने हाथ पे अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताएं मैं किस टॉपिक पे न्यू वीडियो बनाऊं। आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।